सियासी लीडरान की जो खिदमत है ये काबिल इत्मीनान तो पूरे आवाम के नज़दीक नहीं है। लॉकडाउन तो हो गया लेकिन जो मुसाफरीन हैं, जो गुरबा हजरात हैं, जिनके पास खाने पीने का कोई असबाब नहीं है, उनकी रियायत नहीं की गई। अगर कर दी जाती पहले, उसके बाद लॉकडाउन होता तो अच्छा। इस हालत तो बहुत ख़राब है। इस मोहल्ले के इस खरे के जो है ना, तकरीबन 10,000 मुसलमान हर कौम पूरे मिला के 10,000 है। इधर बहुत ख़राब हालत है। ये ऐसे हैं कि पूरे वर्कर्स हैं, इधर पूरे वर्कर्स हैं। इस हिसाब से जो हमारा जो इधर पूरे वॉलंटियर्स मिल के पूरे हर जगह तहकीकत करके हर घर को जो फूड देने का काम कर रहे हैं, तो हमारा एक 10,000 लोगों को देने का है। अब तक हमें 4-5,000 लोगों को दे दिए। इसके अंदर 24 किलो का पैकेज है, चावल है, आटा है, दाल है, शक्कर है, घी है, पेस्ट है, साबुन है, तो पूरा मिला के 24 किलो का पैकेज है। वो तो पूरा मिला के घर घर को ये टोकन देते, घर में जाके वो टोकन के ये टोकन दियाल का थे, ये जाके वॉलंटियर्स जाके दियाल के ये टोकन वॉलंटियर्स दियाल का थे, टोकन मंग ले के राशन का पैक दियाल का थे। इसके गार्डन शरीफ लेआउट में एक बहुत बड़ा मोहल्ला अब्दुल करीम उर्फ बाबू साहब ने बनाया है, तो यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है। इनका एक घरेलू फाउंडेशन है जिसका नाम अल करीम फाउंडेशन है, जिसके सदर अब्दुल करीम साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब हैं, हम लोग मेंबर हैं। तो इस अपने ख़ास सरफा ख़ास रकम से ये लोग अपने जितने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबको, गरीबों को मदद करें। कोविड-19 हालत तो इतने ख़राब हैं कि गरीब आदमी यहाँ के जो इस इलाके में बिलवार दहली में जहाँ पे ये हमारे दोस्त अब्दुल करीम उर्फ बाबू जिन्होंने यहाँ एक शानदार लेआउट बनाया हुआ है, यहाँ तकरीबन 10,000 करीब इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बगैर इन्होंने जात पात के देखे, बगैर देखे हुए इन्होंने यहाँ पे 10,000 घरों को अनाज की तकसीम का बेड़ा उठाया।